हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छे से चटपटे से अचार की रेसिपी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गाजर मूली और शलगम का अचार। सर्दियों का स्पेशल वाला अचार है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इस टाइम तो देखिए खूब सारी गाजर मूली शलगम हमें मिल जाती है मार्केट में, लेकिन जैसे विंटर ख़त्म होगी मार्केट से गायब हो जाएंगी। तो पूरे साल इनको खाने के लिए आप अचार के फॉर्म में इनको बना के रख सकते हैं, टेस्टी भी लगता है, साथ के साथ सलाद भी आपको पूरे साल भर मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अचार बनाने के लिए मैंने 4 किलो गाजर ली है, 1 किलो मूली और 1 किलो शलगम लिया है। इनको मैंने देखिए अच्छे से धो के सुखा लिया है, अब इसको हम छील के काट लेंगे। तो मैंने लेंथ में काटी है सब्जियां सारी और एक जैसे साइज में काटी हैं, ये देखिए। इसी तरह से आपको भी काटनी है। और काटने के बाद मैंने इनको धूप में सुखा दिया है पूरे दिन के लिए। आपके पास अगर धूप नहीं आती है तो आप 4-5 घंटे इसको पंखा चला के रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सब्जियों में मॉइस्चर मतलब का ऊपर का पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो अचार है लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो सब्जियां मेरी अच्छे से देखिए सूख चुकी हैं। अब हम मसाला तैयार करेंगे। तो मसालों में मैंने ली है ये 5-6 चम्मच राई, 6 चम्मच सौंफ, 2 बड़े चम्मच मेथी दाना, 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च, 10-12 लौंग, 1 चम्मच मैंने लिया है बड़ा वाला चम्मच अजवाइन, और ये 5-6 लाल मिर्च ले ली हैं साबुत वाली। इन सभी मसालों को हमें ड्राई रोस्ट करना है, और जब ये हल्के ठंडे हो जाएंगे तो इसका पाउडर बना लेना है। अगर आपके पास साबुत मिर्च नहीं है तो आप 2 चम्मच बाद में कुटी हुई लाल मिर्च वैसे डाल सकते हैं ऊपर से। मैंने मसाले के साथ ही मिर्च पीस ली है। और इस तरह का आपको पाउडर बनाना है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। सारी सब्जियों को मैंने देखिए टब में डाल लिया ताकि आसानी से मसाले इसके अंदर मिक्स कर पाऊँ मैं। छोटे बर्तन में मिलाने में मसाले थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मसालों में सबसे पहले मैंने डाली है 2 चम्मच काला नमक, बहुत अच्छा स्वाद आता है काले नमक का। और अब जो हमने मसाले पीस के रखे हैं ना, ये भी सारे डाल देंगे। इस तरह से भून के मसाले डालने से अचार तुरंत खाया जा सकता है, मतलब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से डालेंगे 2 चम्मच हल्दी पाउडर, बहुत अच्छा कलर आ जाएगा इससे। और 2 बड़े चम्मच भर के हम डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, ताकि जो अचार का रंग है वो देखने में भी अच्छा लगे। और ये मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं होती हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे। तो मैंने एक छोटी कटोरी भर के नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे तो अचार में थोड़ा नमक ज़्यादा जाता है, तो आप एक बार मिक्स करके अचार को चेक कर सकते हैं कि आप कितना नमक खाते हैं, उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। चम्मच से अगर नापें तो मैंने ये 10 चम्मच के जितना नमक डाल दिया है। और ये 1/2 लीटर सरसों का तेल, जिसको मैंने धुआं आने तक गर्म कर लिया था और उसके बाद ठंडा कर लिया, अब इसको भी हम सारी चीज़ों के साथ डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा तेल डालने से क्या होगा, मसाले भी बढ़िया से मिक्स हो जाएंगे और अचार खाने में भी टेस्टी लगेगा, और इसकी सेल्फ लाइफ है जो वो भी अच्छी हो जाएगी। मतलब बहुत जल्दी फिर आप, ये नहीं है कि आपका अचार ख़राब हो रहा है बीच में। और सरसों का तेल वैसे भी अच्छा होता है। और 5-6 मिनट लगा के बढ़िया से मसालों को हमें मिक्स करना है सारी सब्जियों के साथ में। एक बार सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी सिरका, वाइट विनेगर, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा सब। और जो अचार है इसकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब आपका ये जो अचार है ना, इसको आप साल भर भी स्टोर करेंगे, अचार ख़राब नहीं होगा। तो सारी चीज़ों को बहुत बढ़िया से हमने मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं। और मसाले इसमें देखें कितने परफेक्ट हैं, ना तो बहुत ज़्यादा हुए हैं ना कम है, एकदम परफेक्ट मसाले हैं। यहाँ पे मैंने तो चेक कर लिया है, मेरे हिसाब से सारे मसाले बिल्कुल ठीक हैं। आप टेस्ट करके अपने हिसाब से मसाले एडजस्ट कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने 4 डब्बों में अचार को भर के रख दिया है, प्लास्टिक के डब्बे हैं। डब्बे आपको बिल्कुल सूखे वाले लेने हैं, बिल्कुल भी उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी का अचार की रेसिपी, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।